सूरज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जितना खाना रावी ने ऑर्डर किया था वो उन दोनों को भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन रावी ने मेन्यू वापस देखकर उसे खुद का ऑर्डर देने को कहा था। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए उसने कुछ सैलड और सूप अपने लिए ऑर्डर कर दिए। रावी ने उसकी तरफ देखकर कहा, देखो अगर तुमने ये सोचकर कम खाना ऑर्डर किया है कि मैं अपना फूड तुम्हारे साथ शेयर करूंगी तो भूल जाओ। सूरज ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ फोल्ड करके बैठ गया। उसका सारा स्टाफ और बॉडीगार्ड्स रेस्टोरेंट के बाहर थे और मिश्री भी एक कॉल अटेंड करने बाहर गई हुई थी, और अब वहां पर सिर्फ सूरज और रावी ही मौजूद थे। खाने का ऑर्डर भी आ चुका था। सूरज ने देखा टेबल पर छोले भटूरे, पाव भाजी, बर्गर, रसमलाई और चाट मौजूद था। उसने रावी की तरफ देखा जो ललचाई नजरों से खाने को देख रही थी, और अपना फोक और नाइफ उठाते हुए उसने कहा, स्टार्ट करो। रावी ने बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी खाने की बाइट्स लेना शुरू कर दिया। खाना खाते समय उसके होठों पर बच्चों वाली खुशी थी और थोड़ा खाना उसके फेस पर भी लग गया था। सूरज अपना खाना छोड़कर एक टक उसे देखे जा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई और भी है जो उन दोनों को अपनी जलती हुई आंखों से देख रहा था। विहान वहां पर सूरज शेखावत का पीछा करते हुए ही आया था, क्योंकि उसने सुना था कि कल सूरज शेखावत ने ब्लैक बटरफ्लाई के कुछ लोगों से लड़ाई की थी और उसे लग रहा था कि वो सूरज के जरिए उन लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन उसने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो सूरज के साथ यहाँ पर रावी को देखेगा। उसे रावी का यूं सूरज से हंसते हुए बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां बनी हुई थी। अजय जो उसके साइड में बैठा था उसने घबराते हुए कहा, भाई तुझे क्या हुआ है? उसने कभी विहान को इतना गुस्से में नहीं देखा था, सिवाय जब उसे कार्तिक की हालत के बारे में पता चला था। विहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। कल ही उसने मुझसे कहा था कि वो किसी तरह के रिलेशन में नहीं बन सकती क्योंकि वो किसी से कमिटेड है, और यहाँ देखो किस तरह सूरज शेखावत के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है जैसे वो उसका बचपन का दोस्त हो। अजय ने बिना सोचे समझे कहा, हो सकता है उसकी सगाई सूरज शेखावत से हुई हो। अपने शब्दों को खत्म करते ही उसे महसूस हुआ कि एक राक्षस उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है सॉरी, देख वो वॉशरूम की तरफ चली गई। विहान ने यह देखा और वो भी उठकर बिना अजय से कुछ कहे रावी के पीछे चला गया। अजय ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता इस लड़के का क्या होगा। शूटिंग लोकेशन, वीरा अभी भी ऋषि के सामने खड़ी थी और उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ऋषि की बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने अपने जीन्स के बैक पॉकेट से गन निकाली और उसे ऋषि के चेहरे पर फेरते हुए कहा, मैं चाहती हूँ तुम अपने शब्दों को दोहराओ। ऋषि ने जैसे ही गन देखी वो बुरी तरह डर गया और उसने हकलाते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मारने वाली हो? वीरा ने बिना सोचे समझे उसके सिर पर गन रखी और कहा, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, देखते हैं तुम्हारे मरने पर तुम्हारे कितने फैंस श्रद्धांजलि देने आएंगे, और मैं भी तुम्हारे लिए एक कैंडल जरूर जलाऊंगी। ऋषि ने अपने सिर पर गन देखी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके माथे पर गन की जगह एक नासुक सा एहसास था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा वीरा अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उसके माथे पर किस कर रही थी। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और उसकी घनी घनी पलकें उसकी आंखों की परछाई को ढक रही थी। उसका चेहरा आज रोज की तरह डल नहीं लग रहा था, बल्कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऋषि बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। उसकी नजर वीरा के रेशमी बालों पर थी जो सीधा उसकी आंखों के सामने थे। वो उन्हें छूना चाहता था। उसके बालों से आ रही खुशबू उसे वीरा से दूर नहीं होने दे रही थी। अनजाने में उसके दोनों हाथ वीरा की कमर से लिपट गए और उसने कसकर वीरा को गले लगा लिया। वीरा ऋषि के इस एक्शन से हैरान नहीं हुई थी, बल्कि वो खुश हो गई थी। उसे अच्छे से याद था जब भी वो कार्तिक को उसके माथे पर किस करती थी वो इसी तरह उसे गले लगा लेता था, और उसे उम्मीद थी कि ऋषि भी ऐसा ही रिएक्शन देगा। इस समय जहां वो लोग मौजूद थे वो थोड़ी दूर का एरिया था। शूटिंग उस एरिया के पीछे साइड रखी गई थी जहां सब लोग काम कर रहे थे। ठंडी हवा दोनों को छूकर गुजर रही थी और उनके गर्म दिल को और गर्म कर रही थी। वीरा ने धीरे से अपने सर को ऋषि के सीने पर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है वक्त यहीं थम जाए। ऋषि ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं मैं तो तुम्हें वक्त के साथ लेकर चलना चाहता हूँ। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है उसने वीरा को छोड़ दिया और उससे दूर खड़ा हो गया। उसकी आंखें और चेहरा कन्फ्यूजन से भरा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वीरा उसके करीब होती थी तो वो एक अलग इंसान कैसे बन जाता है। ये सब सोचते हुए उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर नर्म घास पर अपने साथ लेकर बैठ गई। उसने ऋषि को अपने गले से लगाया और कहा, शांत हो जाओ, ज्यादा मत सोचो। कार्तिक तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषि अब तक खुद को संभाल चुका था। उसने कहा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहते हुए वो जल्दी से वीरा से दूर हुआ और उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ आखिर क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मोलेस्ट कर रही हो? क्या हैरेस्ट कर रही हो? जब से तुम मेरी लाइफ में आई हूँ सब चीजें चेंज हो गई हैं। जब भी तुम्हारे पास आता हूँ ऐसा लगता है मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। हर बार तुमसे वो बातें कह जाता हूँ जिन बातों के बारे में मैं कभी नहीं जानता था और जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। ऋषि बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। वीरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, कार्तिक तुम मेरी बात समझो। मैं इससे आगे वह कुछ कहती कि ऋषि ने खड़े होते हुए कहा, कार्तिक मैं कार्तिक नहीं हूँ, मेरा नाम ऋषि ओबेरॉय है। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी और की पर्सनालिटी मुझ में डालकर उस इंसान को मेरे अंदर इमेजिन करके मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो? गलत, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वीरा ने अपने आप को शांत किया और उसकी नजरें पहले की तरह कोल्ड हो गई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे ऋषि पर गोली चला दी। रावी जब वॉशरूम से बाहर आई तो किसी ने उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। उसने हैरान होकर उस इंसान की तरफ देखा और ये देखकर कि वो विहान था उसकी हैरानी और बढ़ गई।
उसने अपनी गहरी नीली आंखों को बड़ा बड़ा करके उसे घूर कर देखा। विहान ने जैसे ही रावी को इतने करीब से देखा वो उसकी खूबसूरती में खो गया और ये भूल गया कि असल में तो वो उससे गुस्सा था। रावी पहले होश में आई और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, विहान तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज सुनकर विहान का ध्यान टूटा और उसने उसे और दबाते हुए अपना सिर झुकाकर गहरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम उस सूरज शेखावत के पास जाओ। रावी जो हैरानी से उसे देख रही थी अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने विहान से कहा, अगर मैं उसके पास जाना भी चाहती हूँ तो तुम क्या करोगे, क्या ये गलत है। विहान ने उससे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तो क्या सच में वो तुम्हारा मंगेतर है, तुमने उस जैसे घटिया इंसान के लिए मुझे मना किया, क्या सच में तुम सूरज शेखावत को पसंद करती हो, वो इंसान जो ये नहीं कह सकता कि वो आज किसी की जान लेगा या नहीं, उसने तुम्हें ये कमिटमेंट दी कि वो तुम्हारा साथ निभाएगा। बहुत अच्छा मजाक है मिस रावी। रावी को समझ नहीं आ रहा था कि विहान उसका नाम सूरज से क्यों जोड़ रहा था। उसने खुद से कहा, ये लंबू मेरा नाम उस काले कौए के साथ क्यों जोड़ रहा है, अरे उसे तो मैं पत्थर भी ना मारूं वरना पत्थर रोने लगेगा, और ये कह रहा है कि मैंने उससे सगाई की है, और इस बात से इसे क्या मतलब होना चाहिए कि मैं किसी से सगाई करूं या शादी। रावी नहीं जानती थी कि वो ये सारी बातें मन में ना बोलकर बड़बड़ाते हुए थोड़ी तेज आवाज में कह रही थी, जिसे विहान सुन चुका था। वो ये जानकर थोड़ा शांत हुआ था कि रावी सूरत से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी बाकी बातें सुनकर वो काफी गुस्सा हो गया था। उसने रावी का चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ा और कहा, क्या कहा तुमने, मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि तुम किसी और से जुड़ो। मिस रावी राजवंश, आई डोंट केयर कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, बट मुझे फर्क पड़ता है कि तुम किसके साथ हो और किसके साथ नहीं, तुम किसके साथ खाना खा रही हो या तुम किससे बात कर रही हो। विहान को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है, और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं किसी की जान ना लूं तो बेहतर होगा तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। रावी को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन विहान का उस पर इस तरह हक जताना उसे अच्छा लग रहा था। उसकी आवाज में उसे जेलसी और पॉजेसिवनेस दोनों सुनाई दे रही थी। उसने एक सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहा, तो मिस्टर विहान जेलस हो रहे हैं। विहान जो रावी के चेहरे के बहुत करीब था, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगी। रावी ने इस बात का जवाब नहीं दिया और विहान से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोनों हाथ विहान के सीने पर रखकर उसे दूर कर पाती, विहान ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे दीवार से सटाकर उसके होठों पर किस करने लगा। वो उसे वाइडली किस कर रहा था, जिससे रावी को दर्द हो रहा था। वो उसे हल्की हल्की बाइट्स कर रहा था। थोड़ी देर में खून का स्वाद दोनों के मुंह में घुल चुका था, जो कड़वाहट को उनके दिल में घोल रहा था। रावी हर बार विहान के दिए हुए एहसासों में पिघल जाती थी, और इस बार भी वही हुआ। वो धीरे धीरे उस किस में इन्वॉल्व हो गई। धुंधलेपन के साथ उसकी आंखों से आंसू बह गए, जो विहान के चेहरे से टकराए। अपने चेहरे पर हुए उस गर्म एहसास को महसूस कर विहान जल्दी से रावी से दूर हुआ। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, क्या ये मानना इतना मुश्किल है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रावी उसकी बातों को अच्छे से समझ रही थी, आखिर वही तो थी जो बार बार विहान को रिजेक्ट कर रही थी। किसी का प्यार पाना एक बहुत मुश्किल बात होती है, और उसे पाकर भी ठुकरा देना एक बेवकूफ़ी, जो रावी अच्छे से जानती थी। आखिर में उसने बचपन में अपनी माँ को इसी तरह की मुसीबत से जूझते हुए देखा था, लेकिन वो अपनी माँ के प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकती थी जो उन्होंने उनकी फ्रेंड से किया हुआ था। ये सब सोचते हुए उसने खुद को मजबूत किया और कहा, विहान मैं पहले भी कह चुकी हूँ हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। विहान अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसे लोगों की आंखें पढ़ना बहुत अच्छे से आता था, और वो रावी की आंखों में अपने लिए फीलिंग्स देख सकता था। उसने रावी के गालों को सहलाया और उन पर किस करते हुए कहा, यू नो वॉट, एक दिन तुम खुद एक्सेप्ट करोगी दैट यू लव मी, एंड ये विहान का तुमसे प्रॉमिस है। ये कहकर वो उससे दूर हुआ और वहां से चला गया। रावी अभी भी उस दीवार के सहारे टिककर खड़ी थी। उसने खुद को संभाला और अपने आप को ठीक करते हुए वापस खाने की टेबल पर आ गई, जहां सूरज बैठा हुआ था। रावी को देखकर सूरज के चेहरे पर वो चमक नहीं आई जो थोड़ी देर पहले थी, बल्कि वो कोल्डली उसे देख रहा था। रावी बिना किसी भाव के वहां बैठी और उसने अपनी फाइल्स कलेक्ट करते हुए कहा, ठीक है मिस्टर सूरज, हमारी डील फाइनल हो गई है और लंच भी हो गया है, तो अब मैं यहां से जाना चाहूंगी। सूरज ने कुछ नहीं कहा और रावी उठकर वहां से चली गई। उसे सूरज का ऐसा बिहेव अजीब लग रहा था। उस इंसान से वो दो बार मिली थी और उसे इतना जरूर पता था वो इंसान उसे जाते हुए रोकेगा, लेकिन सूरज ने ऐसा कुछ नहीं किया। रावी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद सूरज उठा और उस टेबल की तरफ चला गया, जहां वो इंसान बैठा था जिसने उसकी रावी को टच किया था। विहान अपनी सीट पर बैठकर शांति से कॉफी और सैंडविच एंजॉय कर रहा था। उसका चेहरा शांत था और वो थोड़ा खुश भी दिख रहा था। सूरज बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ गया। विहान ने बिना भाव के अपना सर उठाए बिना कहा, मिस्टर सूरज, क्या मैं जान सकता हूँ आप मुझ जैसे मामूली इंसान के पास अपने कीमती समय को बर्बाद करने क्यों आए हैं। सूरज ने सख्ती से कहा, उससे दूर रहो। इस बार विहान ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें शांत थी और उनमें से गुस्से को देखा जा सकता था। उसने कहा, क्यों मैं उससे क्यों दूर रहूं? क्या वो आपकी प्रॉपर्टी है या वो आपको पसंद करती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सूरज गुस्सा हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, सूरज शेखावत उससे प्यार करता है, और सबसे जरूरी बात सिर्फ यही है। विहान ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं देखना चाहता हूं तुम उसे हासिल कर पाते हो या नहीं। जब मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूं, उसे छूना तो दूर की बात, तुम उसे नजर उठाकर देख भी नहीं सकते।
वो सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए विहान की आंखें जुनून से चमक रही थी। सूरज ने अपने पॉकेट से गन निकालकर उसके हेड पर पॉइंट की, पर वो ये देखकर हैरान हो गया कि विहान उससे बिल्कुल नहीं डरा था, बल्कि उसने भी अपनी गन निकालकर सूरज के हेड पर पॉइंट कर दी थी। दोनों ही लोग एक दूसरे को मारने के लिए तरस रहे थे। अजय ने देखा कि बात बिगड़ती जा रही थी। उसने आसपास देखा, होटल में कोई भी मौजूद नहीं था। सूरज शेखावत ने पूरा होटल उसके लंच के लिए बुक कर लिया, लेकिन विहान को वहां आना था और उसको मना करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो भी वहां मौजूद था। दोनों का हाथ ट्रिगर पर था और वो कभी भी गन चला सकते थे। इससे पहले कि वो शूट करते, अजय ने उन दोनों के हाथ को पकड़कर ऊपर कर दिया, जिससे वो गन शॉट ऊपर दीवार पर लगा। तेज आवाज से होटल का खाली हॉल गूंज उठा और होटल का स्टाफ वहां इकट्ठा हो गया, और वहां के गर्म माहौल को देखकर वो लोग डर गए। इतने पावरफुल लोगों को वो नहीं भगा सकते थे। होटल मैनेजर उनके पास आकर खड़ा हुआ और उसने धीरे से कहा, प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। शूटिंग लोकेशन। ऋषि अभी भी सदमे में खड़ा था। वो आवाज उसके बहुत करीब से गई थी। उसने पीछे देखा, गोली एक आदमी के सिर के बीचों बीच लगी थी जो उनके पीछे ही खड़ा था। वीरा ने तेज आवाज में कहा, रवीन। रवीन वहां आया और उसने जमीन पर पड़ी लाश को देखकर कहा, ऑर्डर मैम। वीरा ने अपनी गन बैक पॉकेट में रखी और कहा, ये इंसान यहां हमला करने आया था। देखो यहां कोई और तो मौजूद नहीं है, और सिक्योरिटी बढ़ा दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि यहां कोई भी जख्मी हो। उसका निशाना मैं थी और वो मुझ पर शूट करने ही वाला था। इससे पहले मैंने उसे मार दिया। इस लाश को यहां से हटाओ, इससे पहले कि कोई उसे देखे। ये कहकर वो मुड़ी और उसने ऋषि की तरफ देखा, जो अपने सफेद चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। वो समझ सकती थी एक आम इंसान के लिए इस तरह की चीजें देखना मुश्किल होता है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो उस इंसान को गोली नहीं मारती तो वो उसे मार देता, और वो मर नहीं सकती थी। इस बात को वो अच्छे से जानती थी। उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और वो ऋषि से कुछ कहने ही वाली थी कि ऋषि मुड़ा और वहां से भाग गया। वीरा ने गहरी सांस ली। उसके लिए ऋषि को उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करना मुश्किल होते जा रहा था। प्रवीण, जो अभी भी पीछे खड़ा था, उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मैम क्या वो लड़का आपके लिए इम्पोर्टेंट है? ये बात उसने बहुत हिम्मत करके कही थी, क्योंकि कई बार उसने वीरा को ऋषि के साथ देखा था। वीरा ने कहा था कि वो ऋषि को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गार्ड्स उसके पीछे लगाए जो उसे फॉलो कर सके। वीरा ने खोए हुए अंदाज में कहा, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, एंड यू बेटर अंडरस्टैंड कि उसे बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। उस पर हमला करने वाला इंसान सबसे पहले मौत से मिलेगा। वो एक बार कार्तिक को खो चुकी थी, और अब जब वो उसे ऋषि बनकर मिला था तो वो उसे नहीं खोना चाहती थी। प्रवीण ने सिर हिलाया और चला गया। वीरा मुड़ी और शूटिंग लोकेशन पर चली गई। वो वहां एक चेयर पर बैठी थी जिसके ऊपर अम्ब्रेला लगा हुआ था, और वो सामने हो रहे शूट को देख रही थी। ऋषि इस समय एक लॉन्ग स्काई ब्लू कलर की शर्ट और पैंट पहनकर खड़ा था। घर के पीछे एक बहुत बड़ी झील थी जिसके पास अब्रॉड से लाई गई सैंड को बिछाया गया था, जो बिल्कुल प्योर व्हाइट थी। वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए वीरा ने उस जगह को शूटिंग के लिए सजेस्ट किया था। वहां खड़ा ऋषि उस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। कोई भी लड़की उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। आरवी कॉरपोरेशन। आज सब वहां थोड़े से शौक में थे। उनकी दोनों ही सीईओ आज कंपनी नहीं आई थी, लेकिन उस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर वायु राजवंश वहां मौजूद थे। वायु ब्लैक कलर के 3-पीस सूट में वहां खड़ा था। उसके दोनों हाथ पीछे थे और वो आगे चलते हुए अपनी कंपनी को देख रहा था। वो आज भी उतना ही हैंडसम था अपनी बेटियों की तरक्की देखकर। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वायु के पीछे करण चल रहा था और उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था जो उसे उस कंपनी के बारे में पता थी। विनोद इस समय कंपनी में ही मौजूद था और वो स्पेशली खुद वायु को ग्रीट करने वहां आया हुआ था। उसने वायु से कहा, हमारा सौभाग्य है मिस्टर वायु राजवंश कि आप हमारी इस कंपनी में आए। सॉरी बट मैम अभी यहाँ मौजूद नहीं है। करण आगे आया और उसने विनोद से हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कौन? इससे पहले कि करण आगे कुछ कहता, विनोद ने कहा, मैं वीरा मैम का असिस्टेंट हूँ। ये जानकर कि वो इंसान उसकी बड़ी बेटी का असिस्टेंट था, वायु की आंखों में एक चमक आ गई। वो तुरंत विनोद के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, तो तुम वीरा के लिए काम करते हो? विनोद ने वायु की आंखों में देखा, जो एक मिस्टीरियस तरीके से चमक को बिखेर रही थी, और उसे उससे डर लग रहा था। भले ही इस समय आरवी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, लेकिन वायु राजवंश को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। वो एक ऐसा नाम था जो समय के साथ गहरा हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, जी सर। थोड़ी देर बाद विनोद, करण और वायु वीरा के कैबिन में बैठे थे। वायु ध्यान से वीरा के कैबिन को देख रहा था, सिंपल और सोबर, बिल्कुल उसकी बड़ी बेटी की तरह। लेकिन उस सिंपलिसिटी में भी एक रॉयल्टी थी जो वीरा के क्लासिक लुक को रिप्रेजेंट करती थी। वो आसपास देख रहा था कि वायु की नज़र सोफे पर रखी एक शर्ट पर गई, और उसे देखते ही वायु की आंखें गहरी हो गई। वो तुरंत उठा और उसने जाकर वो शर्ट अपने हाथ में ली। वो एक मेल शर्ट थी। जाहिर सी बात थी, वीरा लड़कों के कपड़े तो नहीं पहनती थी। उसने सवालिया नजरों से उसको देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दोगे? विनोद शर्ट को देखकर थोड़ा घबरा गया। भले ही आकृति नहीं जानती थी कि वीरा की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन विनोद और प्रवीण वीरा के सबसे खास लोग थे, जो उसकी लाइफ की छोटी सी छोटी बात को जानते थे। इसीलिए विनोद को पता था कि वो शर्ट ऋषि की थी। उसने बिना कोई जवाब दिए अपना सिर झुका लिया। वायु ने उसके पास खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम कितना झूठ बोलने वाले हो या अपनी मैम के लिए कितनी वफादारी दिखाने वाले हो, लेकिन मैं वायु राजवंश हूँ और मैं तुम्हारी बॉस का फादर हूँ। ये मत समझना कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पता नहीं कर पाऊंगा। विनोद अभी भी चुप खड़ा था।
वो मर सकता था लेकिन वीरा से रिलेटेड किसी भी बात को उसके जाने बिना किसी और को नहीं बता सकता था। उसकी इस लॉयल्टी को देखकर वायु कुछ नहीं कह पाया और मुड़कर सामने बने दूसरे कैबिन में चला गया। उसकी छोटी बेटी का कैबिन उसी की तरह कलरफुल और जॉयफुल था। वहां उनकी फैमिली फोटोज लगी थी और काफी सारी ट्रॉफीज भी रखी थी। जितना रावी का कैबिन भरा हुआ था उतना ही वीरा का कैबिन खाली था। ऐसा लगता था उसने अपना दिल और अपने लिए सभी जगह को खाली कर दिया था जिसमें किसी के लिए जगह नहीं थी। वायु हाथ बांधकर उस कैबिन में घूम रहा था। उसकी बेटी को अभी भी डॉल्स का शौक था और कुछ डॉल्स उसके सोफे पर रखी थी। वायु ने वहां रखी डॉल को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, माई एंजल, तुम कभी नहीं बदल सकती। ये कहते हुए वो आसपास घूमने लगा। तभी उसने देखा एक वॉच और एक कोट साइड में बॉक्स में रखा था। वायु थोड़ा परेशान हो गया था। उसने जाकर वो कोट उठाया और उस वॉच को हाथ में लिया। सामान ज्यादा महंगा नहीं था लेकिन साफ सुथरा था। इसे देखकर पता चल रहा था कि वो ज्यादा पुराना नहीं है। वायु ने पीछे मुड़कर करण को देखा। वो थोड़ा उदास था। उसने कहा, क्या तुम बिल्कुल बता नहीं कर सकते कि मेरी बेटियां आजकल क्या कर रही हैं या उनके बॉयफ्रेंड कौन है? करण, जो अभी तक चुपचाप वायु के पीछे चल रहा था, उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने उसी हैरानी के साथ वायु से कहा, सर, पर दोनों मैम की लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। वायु ने सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, तुम बूढ़े हो रहे हो। ये सुनकर करण का मुंह बन गया और उसने मन में कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी उम्र बढ़ने की जगह कम होती जा रही है। थोड़ी देर बाद पुरानी बिल्डिंग में वायु मुस्कुराते हुए उसी छत पर खड़ा था जहां वो 15 साल पहले खड़ा हुआ करता था। जगह पहले से और पुरानी दिखने लगी थी लेकिन अंदर से वो उतनी ही ज्यादा हाईटेक हो चुकी थी। करण, राका और कुछ लोग वायु के पीछे खड़े थे। वायु ने बिना पीछे मुड़े कहा, तो लाइफ इतनी बदल गई है कि मैं अपनी जगह को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। ये कहकर वो मुड़ा और वहां रखे सोफे पर बैठ गया। राका ने उसके हाथ में दो फाइल देते हुए कहा, सर, हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, आप इसे देख सकते हैं। वायु ने पहले ब्लू कलर की फाइल को उठाया और खोला। फाइल में फ्रंट में उसकी बड़ी बेटी वीरा की तस्वीर बनी थी। वहां पर वीरा के डेली रूटीन मीटिंग के बारे में लिखा था। उसमें उसकी अलग अलग देशों में जाने की जानकारियां भी दी गई थी और उसके कौन दोस्त हैं ये भी लिखा था। वीरा की फाइल ज्यादा कुछ खास नहीं था लेकिन वायु की नजर एक पॉइंट पर रुकी थी। उसने उसको हिट करते हुए कहा, वीरा एक महीने के लिए पेरिस क्यों गई थी? करण ने कहा, मैम को वहां एक फंक्शन के लिए इन्वाइट किया गया था लेकिन वो वहां काफी समय तक रुकी थी और उनके यहाँ आने की किसी तरह की जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन हमें पता चला है कि 2 महीने तक उनके यहाँ डॉक्टर आ रहे थे और वो उन 2 महीनों में कंपनी भी नहीं आई थी। ये सुनकर वायु की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, पता करो पेरिस में क्या हुआ था। ये कहकर उसने अगला पेज पलटा और फिर से कहा, ऋषि ओबेरॉय कौन है? करण ने कहा, सर, ऋषि ओबेरॉय एक फेमस सेलिब्रिटी है जो अभी अभी फेमस हुआ है। हम ये जानकारी नहीं निकाल पाए कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है या वो कहां से आया है, पर वो वीरा मैम के बहुत करीब है। वीरा मैम पर्सनली उससे मीटिंग्स कर चुकी हैं और अभी भी वो उसकी शूट लोकेशन पर मौजूद है जहां उनकी शूटिंग हो रही है। ये पहली बार है जब वीरा मैम किसी इंसान में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं। वायु ने आगे का पेज पलटा। वहां कुछ फोटो थे। वहां पर ऋषि और वीरा के कुछ फोटोज थे जिनमें किसी में वीरा ने उसे हक किया हुआ था तो किसी में वो उसके सिर पर गन पॉइंट करके खड़ी थी तो किसी में वो उसके साथ खाना खा रही थी। वायु ने कहा, क्या तुम इस इंसान के बारे में कुछ बता नहीं कर पाए? राका ने कहा, नो सर, हमें ये तक पता नहीं चला कि वो रहता कहाँ है। वायु ने आह भरी और दूसरी फाइल खोली। उसमें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था जिसकी नीली आंखें चमक रही थी। उसने उस फोटो पर हाथ फेरा। उसकी छोटी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी थी। उसके पेजेस पलटकर फाइल को देखने लगा। फाइल को पढ़ते हुए उसे हंसी आ रही थी। उसमें उसकी छोटी बेटी के एडवेंचर्स के बारे में लिखा था कि वो कैसे अपनी बड़ी बहन से छुपकर भाग जाती थी और अलग अलग जगह पर एडवेंचर्स करती थी। उसमें उसके मीटिंग्स और सक्सेस के बारे में भी जानकारी थी लेकिन वो भी इतनी फनी थी कि वायु को फाइल पढ़ने में मजा आने लगा था। उसमें रावी के कुछ फ्रेंड्स के भी बारे में लिखा था जिनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। लास्ट में पिछली बार की तरह वायु ने एक पॉइंट को हिट करते हुए कहा, अब ये विहान कौन है? करण ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, सेम प्रॉब्लम सर, हम इस लड़के के बारे में भी कुछ नहीं पता कर पाए हैं। ये लड़का मैम को उत्तराखंड में मिला था जहां मैम एक एडवेंचर के लिए गई थी और इसने उनकी जान बचाई थी। ये उनसे देहरादून में भी मिला था और अभी मैम की जहां मीटिंग हुई थी ये वहां भी मौजूद था। ये कहकर उसने एक लिफाफा वायु को दे दिया। वायु ने उस लिफाफे को खोला। उसमें रावी और विहान की फोटोज थे जो उत्तराखंड की पहाड़ियों के ऑफिस रूम के लिफ्ट के और रोड के भी जहां वो दोनों अलग हुए थे और उन दोनों के चेहरे पर उदासी थी। एपिसोड 192, जेलस वीरा और हैरान रावी। वायु ने एक फोटो को अपने हाथ में पकड़ा जिसमें रावी रोड पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उस फोटो को देखते हुए उसने कहा, क्या इस इंसान ने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है? इन शब्दों को कहते समय उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। करण ने सिर हिलाते हुए कहा, नो सर, जिस तरह का उसका बिहेवियर था और आज जिस तरीके से वो सूरज से रेस्टोरेंट में लड़ रहा था और उसने उसके सिर पर गन पॉइंट कर दी थी, उसे देखकर लग रहा था वो रावी मैम के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वायु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, पता करो वो दोनों लड़के कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है और रावी और वीरा के पीछे 7 वेपन के कुछ लोगों को भेजो जो उनके बारे में मुझे जानकारी दें। ये सुनकर करण थोड़ा झिझक गया। उसने कहा, सर, लेकिन अगर वीरा मैम को पता चल गया तो? वायु मुड़ा और उसने करण को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? वो ऐसा कह तो रहा था लेकिन ये कहते हुए उसे भी डर लग रहा था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा डेंजरस थी जिससे पंगा लेने से बड़े इंसान डरता था, तो वो उसके सामने क्या चीज था? पर उसे उसकी चिंता भी हो रही थी।
इसीलिए उसे यह जानना था कि आखिर वो दोनों ऐसे कौन से दो इंसानों से जुड़ी रही हैं जिनका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, क्या इन दोनों को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ऐसे ही लोग मिले थे जो धरती पर अचानक से आ गए और उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता? ये दोनों लड़कियां कोई नॉर्मल काम क्यों नहीं करती? आरवी कॉर्पोरेशन। रावी जब अपने ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पिता आज उनकी कंपनी आए हुए थे। वो तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ी। मिश्री उसके पीछे ही थी। उसने रावी के परेशान चेहरे को देखते हुए कहा, मैम आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? रावी ने जल्दबाजी में कहा, अरे पापा ने वो सामान देख लिया होगा तो तुम्हें क्या पता? मेरे पापा किसी जासूस से कम नहीं है, वो जरूर इस बारे में पता करेंगे। तुम क्या चाहती हो, क्या मेरा अफेयर लीक हो जाए? हालांकि वो सच नहीं है फिर भी। ये सब कहते हुए वो अपने कैबिन में जा चुकी थी और मिश्री हैरानी से उस कैबिन के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने कहा, क्या रावी मैम का एक बॉयफ्रेंड है? ये कहते हुए वो अपने सिर को सहलाने लगी। उसकी मैडम कुछ ज्यादा ही मनमौजी और मस्तीखोर थी और उन्हें देखकर नहीं लगता था कि वो किसी लड़के को पसंद करती हैं। अपने कंधों को उचकाते हुए वो उसके पीछे उसके कैबिन में चली गई। रावी ध्यान से अपने कैबिन की सारी चीजों को देख रही थी। वहां का एक भी सामान अपनी जगह से नहीं हटा था। उसने उस दिशा में देखा जहां वो कोट और वॉच रखी थी और उसने उसे तुरंत उठा लिया। उस सामान को भी वैसा ही रख दिया गया था जैसा वो पहले था। रावी ने ध्यान से उसे चारों तरफ घुमाकर देखा और कहा, इसे देखकर लगता है कि पापा ने नहीं देखा। ये कहते हुए उसने एक राहत की सांस ली और टेबल पर बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगी। वहीं शूटिंग लोकेशन पर वीरा सामने हो रही शूटिंग को देख रही थी और इस समय वो थोड़ा गुस्सा थी। ऋषि के साथ दो मॉडल्स और उस शूट का हिस्सा बनी थी मॉडल्स काफी सुंदर थी और उन्होंने काफी अच्छे कपड़े पहने थे। वीरा की नजर उनकी नजरों पर थी जो ऋषि को प्यार से देख रही थी। उसे उन लड़कियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी उन्हें अपनी गन से शूट करते। उसने अपने पीछे खड़े प्रवीण से कहा, क्या सारे लड़कों को ऐसी लड़कियों के पास रहना अच्छा लगता है या उन्हें इस तरह के कपड़ों में देखना अच्छा लगता है? प्रवीण ने वीरा के सीरियस लुक के साथ उसे इस तरह का सवाल पूछने की उम्मीद नहीं की थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैम लड़कों को वही लड़कियां पसंद आती हैं जो दिखने में अट्रैक्टिव हो। यह सुनकर वीरा ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर धीमी आवाज में कहा, तो क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं? इस बात का प्रवीण के पास कोई जवाब नहीं था। वो मानता था कि उसकी बॉस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उनकी नीली आंखें उन्हें और ज्यादा खूबसूरत बना दी थी, लेकिन उनके पास से आने वाला ऑरा और उनका कोल्ड लुक हर किसी को उनके पास आने से रोक देता था। जब वीरा ने प्रवीण की तरफ से कोई जवाब नहीं सुना तो उसने अपना सिर उठाया और प्रवीण के कंफ्यूज चेहरे को देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, प्रवीण तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हें अभी यहाँ पर गोली मार दूं? इस बात को सुनते ही प्रवीण जम गया और उसने कहा, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, इतनी कि हर कोई आपके पास आने से डरता है। उसने फ्लो फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह दिया था जिसका एहसास उसे हो चुका था। उसने डरते हुए दोबारा वीरा को देखा जो अपनी खतरनाक नीली आंखों से उसे घूर रही थी। वीरा ने उससे कोल्डली कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मिशन पर जाना चाहते हो या तुम्हें दोबारा उस लैब में जाना है? वीरा की आखिरी बात को सुनते ही प्रवीण का चेहरा ठंडा पड़ गया। वीरा उसे एक रिसर्च लैब से बचाकर लाई थी जहां वो अपने एक दुश्मन के जरिए ट्रैप की गई थी और प्रवीण भी वहीं था और तब से वो उसकी ब्लैक बटरफ्लाई गैंग में था और वीरा का सबसे वफादार साथी भी था। उस लैब में उसे काफी टॉर्चर किया जाता था इसीलिए वो उस लैब का नाम बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। उसने डरते हुए कहा, सॉरी मैं आपको दोबारा निराश नहीं करूंगा। वीरा ने आह भरी। वो इस तरह प्रवीण को डराना नहीं चाहती थी लेकिन उसे ऋषि को दूसरी लड़कियों के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर ऋषि खुद भी उन लड़कियों के साथ काम करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो दोनों ही ए लिस्ट सेलिब्रिटी थी जिसमें से एक की उम्र ऋषि के बराबर थी और दूसरी उससे कम एज की थी और दोनों की ही कुछ मूवीज काफी ज्यादा हिट हुई थी जिस कारण वो थोड़ी एरोगेंट थी और उनके हिसाब से ऋषि को उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए था क्योंकि वो एक बी लिस्ट सेलिब्रिटी था। पहली एक्ट्रेस जिसका नाम नताशा था उसने ऋषि पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता एक्टिंग कैसे करते हैं? तुम दो बार रीटेक कर चुके हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास यही काम है? मुझे शूटिंग से जाकर अपनी फिल्म की शूटिंग भी करनी है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो साइड रोल करते हुए फेमस बनते हुए घूम रही हूँ। उसे ऋषि बिल्कुल पता। ऋषि की मूवी और उसकी मूवी साथ में रिलीज हुई थी लेकिन उसकी मूवी को इतनी हाईलाइट नहीं मिल सकी थी जितनी ऋषि की मूवी को मिली थी, जिस कारण वो उससे नाराज थी और अपनी नाराजगी वो यहाँ पर निकाल रही थी। ऋषि ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे लोगों की टॉलरेंस झेलने की आदत थी। काफी सारे लोग ऐसे थे जो उसे जलते थे या उसे पसंद नहीं करते थे, इस कारण वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ बोलते थे और उसका मानना था कि अगर वो हर किसी की बात का जवाब देगा तो इसमें उसका सारा समय चला जाएगा। उसने शांत, नताशा मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा परेशान था जिस कारण मैं ध्यान नहीं दे पाया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। नताशा ने उसे देखकर कहा, बेहतर होगा तुम गलती ना करो। ऋषि ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया लेकिन साइड में खड़ी दूसरी एक्ट्रेस अंशिका ने कहा, नताशा तुम्हें उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वो अभी नया है और हमें हमारे साथियों की मदद करनी चाहिए। नताशा ने घूर कर अंशिका को देखते हुए कहा, तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? ये सुनकर अंशिका चुप हो गई। उसने ऋषि की तरफ देखा। वो उसे पहले से ही बहुत पसंद था लेकिन ए लिस्ट सेलिब्रिटी होने के कारण वो ऋषि को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती थी।
शाम के समय आधे से ज्यादा सीन अच्छे से शूट हो चुके थे। दो सीन में गलतियों के बाद ऋषि ने दोबारा कोई गलती नहीं की थी और इस वक्त सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर रहे थे ताकि शाम को सब मिलकर खाना खा सके। वो फार्म हाउस काफी बड़ा था और वहाँ सबके लिए कमरे मौजूद थे। हर कोई अपने फ्रेंड और पार्टनर के साथ रूम शेयर करते हुए रुका था। वहाँ मौजूद कमरे इतने बड़े और शानदार थे कि एक बेड पर लगभग चार लोग आराम से आ सकते थे। रावी ने यह विला इस तरह से डिजाइन करवाया था कि वो लोग कभी आकर वहाँ पिकनिक मनाए तो उनके लिए वहाँ कमरों की कमी ना पड़े। वीरा इस समय अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी और खुद को देख रही थी। उसने अभी भी वो ब्लैक जीन्स और टॉप पहना हुआ था। उसका चेहरा नॉर्मल था और उस पर कोई भी दाग नहीं था। उसकी नीली आंखें बेजान थी। उसकी स्किन ड्राई हो चुकी थी और उसके बाल काफी देर से खुले होने के कारण उलझ गए थे, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये दूसरों का मानना था, उसका नहीं। वीरा ने जोर से आईने पर हाथ मारा और कहा, तो इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं हूँ क्योंकि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं रहती। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिर्फ मेरे लुक्स और कपड़ों से जज करने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए वो उठी और शावर लेने चली गई। इधर दूसरी तरफ ऋषि अपने बेड पर फैल कर सो रहा था। बेचारा, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी रात में कितनी बैंड बजने वाली। शाम को 7 बजे जब रावी अपने घर पहुंची तो उसे अंदर से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो तेजी से अंदर गई। उसने देखा वहां पर पहले से भी ज्यादा लोग थे। प्रतिभा देवी और आहाना साइड वाले सोफे पर बैठी थी और उनके साथ एक 14 साल की लड़की भी थी, जिसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह थे। उसकी आंखों पर चश्मा था और उसने दो चोटियां गुथी हुई थी। वो बच्ची बहुत क्यूट लग रही थी। दूसरे सोफे पर पूर्वा, कृपा जी और रिधिमा जी बैठे थे। रिधिमा जी अब पहले से थोड़ी ज्यादा बुजुर्ग हो गई थी। उनके बाल सफेद थे और उनके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां आ चुकी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर बने एक और लिविंग सोफे पर सारे आदमी बैठे थे। मृत्युंजय, वैभव जी, धीरज जी, सिद्धार्थ, वायु और साथ ही तेजस भी वहां मौजूद था। इतने सारे लोगों को अपने उस बेजान और खाली घर में देखकर रावी की आंखें खुशी से चमक रही थी। उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है पुराना समय लौट आया है, जहां कुछ समय के लिए ही सही लेकिन हम सब साथ थे। वो ये सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसे अचानक आवाज देकर डरा दिया, जिसे रावी चौंक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे धैर्य खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। धैर्य ने रावी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दी आप कितना लेट आ रही हैं, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था और आपको पता है मैं कितना बोर भी हो गया था। रावी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी मुझे एक जरूरी काम आ गया था, इस कारण मैं लेट हो गई, लेकिन पक्का वीकेंड में मैं तुम्हें पूरा देहरादून घुमाने ले चलूंगी। नहीं सॉरी, पूरा तो नहीं लेकिन उन प्लेसेस पर जरूर लेकर चलूंगी जो मेरी फेवरेट हैं और आई एम श्योर वो तुम्हें भी पसंद आएंगी। वो दोनों बातें करते हुए अंदर आ ही रहे थे कि आहाना के पास बैठी हुई छोटी लड़की उठकर उधर आई। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से रावी को देखते हुए कहा, आप वीरा दी है? उसकी मीठी आवाज सुनकर रावी ने उसकी तरफ देखा। लड़की काफी खुश दिख रही थी। उसने पिंक कलर का डंगरी पहना हुआ था और उसके कानों में छोटे छोटे डायमंड इयररिंग्स थे। धैर्य ने जैसे ही उस लड़की को देखा उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने रावी के हाथ को हिलाते हुए कहा, नहीं आध्या, ये वीरा दी नहीं है, ये रावी दीदी है। ये सुनकर आध्या ने रावी से दोबारा कहा, सॉरी दी, आप दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, इसीलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। रावी ने कहा, गलत, हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते। कभी हम दोनों को साथ में देखना, तुम्हें डिफरेंस जरूर पता चलेगा। चलो अंदर चलते हैं। ये कहते हुए वो उन दोनों को लेकर अंदर आ गई। धैर्या ने जैसे ही रावी को वापस आते हुए देखा उसने खड़े होते हुए कहा, आप इतना लेट आ रही हैं, आपको पता है समय क्या हो रहा है? रावी ने अपना बैग साइड में रखा और अपनी थकी हुई आवाज में कहा, ऑफिस में बहुत काम होता है और मेरी दो आउटडोर मीटिंग हुई थी। धैर्या ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, हमें नहीं जानना आप क्या काम करती हैं और क्या नहीं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शाम को आप समय पर घर आनी चाहिए। रावी ने मन में कहा, छोड़ो, मम्मा को क्या पता चलेगा कि मैं कब घर आ रही हूँ, वैसे भी ये लोग तो कुछ दिन में यहाँ से चले जाएंगे। वो ये सोच रही थी कि धैर्या ने आगे कहा, क्योंकि अब हम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं। ये सुनते ही रावी का मुंह खुला और आंखें फड़ी फड़ी हो गई। उसे धैर्या की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन आपका सारा बिजनेस तो ऑस्ट्रेलिया में सेट है, तो आप यहाँ क्यों सेटल होना चाहती हैं? धैर्या ने उसे घूरा और कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या हम अपनी इच्छा से कहीं रह नहीं सकते? क्या आप हमें अपने घर में नहीं रहने देना चाहती? अगर ऐसा है तो हम अभी अपने लिए दूसरा घर ले सकते हैं और उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ हमारा पहले से ही एक। ये सुनकर